नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जी हाँ दोस्तों काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट ये लेके आए हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या सैलरी आपकी होने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ से जाकर सभी को आप देख सकते हैं और यदि आप एलिजिबल रहते हैं तो आप उसमें अप्लाई जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। अब बढ़ते हैं हम डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसी आई है। ये एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया सब कुछ रखा हुआ है सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका एक साल का पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाएगा अप टू 5 ईयर्स तक, जैसे भी इनका प्रोजेक्ट आगे चलता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें ज़रूर से अप्लाई करना है, ऐसा नहीं समझना है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है तो हम इसको अप्लाई ना करें, ठीक है ना स्टूडेंट। इस चीज़ को ऐसा ध्यान ना रखें क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ पर बाद में परमानेंट करने की पोजीशन आपकी आ सकती है, यदि आपका वर्क वहाँ पर अच्छा हुआ तो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपके पास ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर देना है, ठीक है ना। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पहले समझते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन डेट है वो 17 मई का आया हुआ है, लास्ट डेट इसकी 4 जून होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमने इसके लिए वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये जून की काफ़ी बड़ी अपडेट है, ठीक है ना। अपडेट आ चुका था 17 मई को, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो जून की है, 4 जून की। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। सारी क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ही आपको वीडियो को स्किप करना है, ठीक है ना। देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू ये शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बता दिया जाएगा कॉल करके या फिर उनको मेल करके, ठीक है ना। प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या होगा, जो हेड क्वार्टर है आपका WBPCB का, वहाँ पर आपका होने वाला है कोलकाता में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कब होगा कैसे होगा सब कुछ आपको वेबसाइट पर बता दिया जाएगा किस तरीके से करना है, ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं इसकी डिटेल पोस्ट की, तो पहली पोस्ट है आपकी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 11 है और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स का रखा गया है। आपका यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं रखी गई है, ठीक है। आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर होने वाली है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जो सेकंड पोस्ट है। यहाँ पर भी अगेन 11 वैकेंसी है, 30 साल की एज लिमिट रखी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्टिंग है आपकी जॉब के लिए। अब यदि हम बात करते हैं इसके आगे कि किस तरीके से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। देखिए स्टूडेंट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनवायरमेंटल साइंस में, या सिविल में है, या आर्किटेक्चरल में है, केमिकल इंजीनियरिंग में है, प्लानिंग में है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सा एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा गया है, आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा, मतलब प्रीफर किया जाएगा उन लोगों को, बट नहीं है फिर भी आप अप्लाई करें। नेक्स्ट आता है आपके प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, इसमें अगेन मास्टर डिग्री चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में, सिविल आर्किटेक्चर में, या प्लानिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में। अगेन एमएस ऑफिस पर आपको वर्क करते होना चाहिए और यहाँ पर आपके लिए 1 साल का रखा गया है एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल प्रीफरली फॉर अ पीरियड फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का प्रीफर किया जाएगा, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस प्रीफर किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितना आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए स्टूडेंट, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपको यहाँ पर 42,000 से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है, प्लस उसमें एचआरए भी मिलने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट में 35,000 रुपये मिलने वाली है, प्लस उसमें एचआरए भी मिलने वाला है, तो आपकी लमसम सैलरी यहाँ पर 40 से 50 हज़ार के बीच में हो जाएगी, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन को आपको यहाँ पर रीड आउट करना है, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी प्रकार की फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, सिर्फ डायरेक्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर होने वाला है इंटरव्यू के बेस पर, ठीक है स्टूडेंट। कोई भी TA/DA आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फुल आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, इससे आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे वो प्राइवेट की हो सबसे पहले आपके पास मिलती रहेगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।